गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक और मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो स्टोरी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं उस स्टोरी को। अफ्रीका का एक बच्चा था सादिया मैनी। वो बहुत गरीब था। उसकी माता पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी, उनके पिता थे, लेकिन वो बच्चा इतना गरीब था कि कई बार तो उसे खाने के लिए खाना ही नहीं मिलता था। कूड़े के डिब्बे में से भी खाना निकाल कर वो खाकर अपना पेट भरता था। पैरों में पहनने के लिए उसके पास जूते नहीं थे। कहीं पर भी उसे फटे टूटे जूते मिल जाते तो वो उसको पहनकर अपना काम चलाता था। तो ऐसे ही वो अपने दिन निकाल रहा था। लेकिन उसके अंदर एक जुनून था, एक आग थी कुछ कर गुजरने की, कि मेरा भी एक दिन नाम पूरी दुनिया में होगा। तो उसने कूड़े के डिब्बे में से, उसके जब जूते पहले वाले फट गए तो कूड़े के डिब्बे में जूते ढूंढे तो उसे मिल गए, और कपड़े की ही एक फुटबॉल से फुटबॉल खेलना शुरू किया। उसे शौक़ था फुटबॉल खेलने का। उसी कपड़े की फुटबॉल से वो फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करता और फटे जूते पहनकर वो प्रैक्टिस किया करता। तो उसने मन लगाकर बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की। जब फुटबॉल का ट्रायल लेने का दिन आया तो उसके पास वहाँ तक पहुँचने के लिए पैसे नहीं थे। बिना पैसे के अब कैसे पहुँचा जाए? तो सादिया मैंने 160 किलोमीटर पैदल जाकर उस स्थान पर पहुँचा। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे उसकी हालत और उसके फटे जूते देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये कौन आ गया, कैसी हालत में आ गया, कैसा लड़ेगा, कैसा खेलेगा। पर 5 मिनट के उस खेल में उसने सबकी बोलती बंद कर दी, दिखा दिया कि वो भी कोई चीज़ है। उसने वो ट्रायल पास कर लिया। लेकिन जब वो ट्रायल पास करके घर पहुंचा तो उसके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन उसने उसी वक्त अपने आंसुओं को पोंछा और मन में निश्चय किया कि मुझे इस ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना है। और उसने वापस पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और इतनी मेहनत की कि वो अपनी जीवन में सफलता प्राप्त करता ही चला गया। उसने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल लगाकर पूरा वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया। उसका बनाया हुआ रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। तो ये है एक जुनूनी बच्चे की कहानी, कि हमें कई बार किसी काम को करने का मन नहीं होता तो हम बहाने बनाते हैं कि हमें ये सुविधा नहीं मिली, हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन अपने से नीचे को देखो, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस अपने अंदर एक शक्ति भरनी है, जुनून भरना है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।